आज हम देवास में हैं। वो वीडियो तो कुछ बड़ी बन गई थी, तो इसलिए हम मेरे को दूसरी वीडियो बनाना पड़ा। बट कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बताया था जब भी मैं मीटर चलाऊँगा तो कुछ अलग लोकेशन और कुछ अलग नज़रिया अंदाज से वीडियो शूट करने वाला। सो गाइस, आज मीटर तलाव हूँ, अंदर चलते हैं और वीडियो शूट करते हैं कैसा क्या रहेगा। और हमारे साथ हमारे सोन बागड़े जी। सो गाइस, हम अंदर प्रवेश हो गए हैं। अब आपको अच्छा लगेगा और आपको सिनेमेटिक देखने को अच्छा मिलेगा। सो गाइस, आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ सिनेमेटिक। सो गाइस, अभी हम आए हैं मीठा तालाब और हमने सोचा चलो मीठा तालाब, थोड़ा दोस्तों ने बोला कि चलो मीठा तालाब घूमना है, तो मीठा तालाब घूमना है तो ये जो मीठा तालाब है, मैं शाम के टाइम आया था पहली वाली ब्लॉग, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वो विजयराज के साथ जो मेरे मित्र एंड अच्छा मित्र है, मैं मानता हूँ बहुत बहुत अच्छा मित्र है, तो उसके साथ आया था। तो यहाँ का नाइट का शो का वीडियो बनाया था और यहाँ का जो सीन है दिन में देखने को, मतलब कि शाम इस टाइम तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमल के फूल अभी तो खिले नहीं है गाइस, दिखा देंगे कोई कोई से है कमल के फूल खिले हुए। और उसके बाद बात की जाए तो हमको अब देवास में एक फ्रेंड मिले, मतलब कि वे ब्लॉग बना रहे थे तो ब्लॉगर मिल जाते हैं। तो गाइस रियली बता रहा हूँ कह नहीं जाए क्या बात होती पता नहीं। सो अभी तो आपको मीठा तालाब घुमाएंगे और ऐसा घुमाएँगे क्योंकि शाम का टाइम तो उस टाइम पर कुछ बना नहीं पाया था। बट इस बार मैंने सोचा है कि थोड़ा कुछ अच्छा लाएं यार वीडियो में। सो गाइस, पहली वीडियो लेके आया था मीठा तालाब की, तो यहाँ पे कोई कॉपीसो कुछ भी नहीं था। ये सेकंड ब्लॉग है हमारी मीठा तालाब के। तो गाइस आए मीठा तालाब को देखा तो भाई साहब यहाँ पे चेयर सारी चीज रखी है और दोस्तों ने बोला कि अभी नया नया खुला है कॉपीसो और यहाँ पे बैठना अलाव नहीं। क्यों ना अलाव है, जो कोई चीज़ खरीदेगा उसे कोई बैठने की इजाज़त है। तो गाइस अभी हो रही है बोटिंग और बोटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है रेंट कितना देता है और क्योंकि शौक नहीं है अभी। और इसके बाद गाइस ये है तालाब, मीठा तालाब, बड़ा अच्छा तालाब और यहाँ पे बोटिंग बहुत धांधू होती है, गजब बे गजब। और गाइस ये है मीठा तालाब, काफ़ी अच्छा। और पीछे अंकल बैठे हैं, वो है ना टिकट लेके बैठे हैं, बट आज हम उधर नहीं जाएंगे, हमारे पे पैसे नहीं है तो हम टिकट नहीं कटा सकते। तो आपको यहीं से पूरा दृश्य अच्छे से दिखा सकते हैं। तो गाइस अभी इतने सारे चेयर है बट मैं उस पे क्यों नहीं बैठा, क्योंकि उस बोर्ड पे लिखा था अनावश्यक बैठना सख्त मना है। तो गाइस मैं उस पे नहीं बैठा, तो ठीक है गवर्नमेंट ने ये दी चेयर तो हम इस पे अच्छे फील कर लेते हैं। एंड यहाँ की बात की जाए तो गाइस काफ़ी अच्छा नज़रिया, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस अभी धीरे धीरे शाम होती जाएगी, ऑडियंस बोले तो पब्लिक यहाँ पे भेला होती ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो गाइस हम कर रहे थे वीडियो शूट और कुछ बता रहे थे, तो कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो मोबाइल है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मोबाइल होगा बैंक। मैंने सोचा अब चलो दोस्तों से मोबाइल लेते हैं और दोस्तों से मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं। दोस्तों के मोबाइल से वीडियो शूट किया बट हाँ वीडियो शूट हो रहा था बट वो उतनी वो खासियत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आपने आधी ब्लॉग कर ली है तो ब्लॉग पूरी करते हैं, क्योंकि आधी बनाएंगे तो मज़े ही नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि अगली बार आएंगे तो अगले बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे पूरा मीठा तालाब और सब दूर जाएंगे, इस बार तो नहीं गए। तो गाइस वैसे भी मोबाइल से फिर मैंने थोड़ा छोटी वीडियो बनाई बट अच्छी बनाने की कोशिश करी, आप बताना कैसे बना। साथ है हमारे सोहन जी बागड़िया, जिनका हमने फ़ोन लगा था, जो फर्स्ट ब्लॉग में फ़ोन लगाया वो दिन दिनेश हमसे मिलने आए। और हमारे साथ में निखिल भैया और अर्जुन भैया। हेलो सर, तो हाय गाइस आप लोग। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो गाइज मैंने सोचा चलो ठीक कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो अगली बार अच्छे से बनेंगे, क्योंकि मोबाइल में कुछ मज़े नहीं आ रहे थे वीडियो बनने में। यहाँ पार्क मतलब कि तालाब की जो बात की जाए, मतलब ये देवास में सिर्फ एक ही तालाब है जो प्रसिद्ध है और यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे बोटिंग बहुत शानदार होती है, पैर वाली बोटिंग होती है और रेसिंग वाली भी होती है, मतलब कि बहुत तेज़ी से भागना रेस ऐसा ना, तो सब कुछ होता है।
तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कमल के फूल दिखाते हैं। तो गाइस हमारे जो आप देख रहे हैं सामने, वहाँ जाने का प्लान था बट कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि मोबाइल ही डिस्चार्ज हो गया था। सो गाइस हमारा मोबाइल हो गया डिस्चार्ज, तो इस कारण से हमको हमें निकल गया कि मोबाइल से वीडियो शूट करना पड़ा, और हमने वीडियो शूट कर लिए, और अगली बार आएंगे थोड़ा सा और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन, क्योंकि अगली बार भी जो वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। जैसे जैसे शाम होती जाती है, तालाब की रौनक वैसे वैसे बढ़ती जाती है, और तालाब में इतना सुंदर, इतना प्यारा लगता है नाइट में गाइस, और शाम के टाइम और मॉर्निंग के टाइम बहुत ही प्यारा सा नज़रिया, बहुत ही शुद्ध वातावरण लगता है, मतलब कि शांति का प्रतीक लगता है यहाँ पे। और नया रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं और अब तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो गाइस मेरे मित्र से बड़ी रिक्वेस्ट के बाद मोबाइल लिया और वीडियो आदि को पूरा किया, तो गाइस एक लाइक बनता है। तो गाइस हम यहाँ पे आए, काफ़ी अच्छा, बहुत सुहाना लगा, बहुत अच्छा लगा, एंड अगली बार भी आएंगे तो ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि ब्लॉग नहीं बनाएंगे। तो आपका भाई कैसे भी करके एक ब्लॉग कहीं से भी ले आता, बस एक हफ्ते में एक ब्लॉग तो टेस्ट कहीं से भी ढूंढ के ले आता हूँ, कभी कभी नहीं आती तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो नहीं आती, बट हाँ यहाँ दुआ साके मीठा तालाब आके काफ़ी बहुत अच्छा लगा, और दोस्त यारे के साथ काफ़ी ये पल ये लम्हा मिस करूँगा, और मिस कैसे करूँगा, मिस करूँगा तो गाइस मैं इस वीडियो को मैं खुद ही देख लूँगा। तो ये है मीठा तालाब, काफ़ी अच्छा और सुंदर नजरिया, और हमारे जो अर्जुन भैया हैं अभी बैठे हैं, वो क्या दोस्तों का कॉल आया इन दोस्त से, तो कुछ बात कर रहे हैं। सो गाइस हम लेते हैं अलविदा, तब तक बाय, जय हिंद। गाइस इस पे लिखा है पुनः पधारें, बिल्कुल हम बिल्कुल पधारेंगे, ज़रूर आएंगे और ब्लॉग भी ज़रूर शूट करेंगे।